अरुणा देव। आपको बच्ची मिली थी, अब कहाँ से मिली थी? वो हमारा ऊपर करकट पर रखा था बच्चा, लपेट के रख दिया था, मैं बच्चा उठा लिया गोद में, गोद में तरस भी आया पता नहीं, बच्चा के तो जलन दे दिया, ताकि उसको पतिलपाल नहीं किया, किसी को पास बिकने से क्या फायदा, किसी को दे देता तब पोस लेता पाल लेता अपने बच्चे के, तू नहीं पालती मैं पाल के उसको जिंदगी तो देता। दुनिया लोग बोलता यही ना, जो किसी ने बच्चा बिक दिया तो फलाने आदमी भैया रानी पोस लिया उसको, पोस पाल के बड़े कर दिए। कितने टाइम का बच्चा है ये मेरे को पता नहीं है, मैं तो जा रहा था नहाने, ड्यूटी का समय हो रहा था, मैं ड्यूटी जा रहा था, मेरा मुंडा आ रहा था दतून, तुर्कम करी बेटा दतून ले आ दे, मैं मुंह धो के तैयारी हूँ। वो मेरा मुंडा देखा, बोलता मम्मी मतलब ऊपर देखना बच्चा है, तुम कहे ये चिड़ी चुरी का बच्चा होगा। फिर नाल में चढ़ा रहा मैं देखा जो वहाँ पर कपड़े में बच्चे लपेटे, ऊंचा दबार था इतना ऊंचा है, देर ऊंचा ना, ये ऊपर जैसे करकट है ना वैसे ही। फिर आप बच्चे को कहाँ पे लेके आए हो? मैं डायरेक्ट लेके गेट पर आ गया, गेट वाला लोग के बोले, फिर बोले जे चलो हॉस्पिटल लेके चलो, फिर मैं हॉस्पिटल लेके आया। मांग क्या करते हो आप, क्या मांग करते हो? क्या मांग, मैं तो देख चीन भी नहीं रहा जे किसके बचा है, कौन कुतिया छोड़ के गई कौन नहीं, हम लोग सूता पारा था, अब छोड़ के गया मैं क्या किसको बोलूं, जे अब उन लोग का मर्जी, पुलिस वाला कार्रवाई कर सकते हैं चाहे भी नहीं कर सकते हैं, मैं तो देखा नहीं हूँ ये किसका बच्चा है किसका, मैं देखता था वही जन झोटा पकड़ के मारते है उसको हरमजादी को, किसी को इज्जत बाजार में नहीं बिकता है, बिकता है बाजार में, इज्जत नहीं बिकता है, सौदे खरीदने जाते हैं एक बार खरीदते हैं, पचासन में नहीं खरीदना पड़ता है, कपड़े लेते हैं ना तो फाड़ जाता है ना, पैक करके देगा तो वो कपड़े बदल देंगे, बाकी और चीज़ नहीं बदला सकता है, कंजरी कैसा आदमी थी कैसा नहीं, मैं लोग देखा भी नहीं, ना ड्यूटी व्यूटी करके हम लोग सोने वाला आदमी, अपना आधा रात ले पौर रात ले थोड़िए जागेंगे, जो क्यों बंदा कहाँ जा रहा है ये कहाँ कर रहा है कहाँ नहीं, ठीक है सर जी। मेरा नाम डॉक्टर रमन है, SDS सुमराणा। एक साढ़े को सवेरे 8:15 बच्चा लेके आंदा रहा, कटियाणा कटाणी के रहने वाले ने, जिन्हों ने लेके आंदा वा, बच्चा न्यूबॉर्न बच्चा वा, इमेच्योर आ, प्री टर्म है, अराउंड 8 months का बच्चा लगता वा, ठीक है, और एक तरह अनवॉन्टड चाइल्ड का लाइक केस ही है, जिन्हों ने लैके आंदा उन्होंने ये दसिया कि बच्चा इतने कोई कटाणी को फैक्ट्री या नाम धारी है, फैक्ट्री के पिछे कोई जो माइग्रेंट लेबर उन्होंने ਰਹਿਣ ਦੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਡ ਅਸੀਂ ਕਲੈਂਪ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾ ਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਡਰੋਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਊਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਆਇਆ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੰਧ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰਤਾ, ਕਾਰਡ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਹਾਂ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਦਊਂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਰੈਫਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੈਚੋਰ ਪੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ।